वैसे तुम जैसों को बोलने से कोई फायदा तो नहीं है, मगर फिर भी शराफत से रहने की कोशिश करना, जानता हूं मुश्किल है। अगर तुम्हारी शराफत नहीं दिखी ना तो हमें हमारी बतानी पड़ेगी अपने तरीके से, समझा? और याद रखना शराफत। मेरा नाम नाम की जरूरत नहीं है, नंबर काफी है, और वो मैंने पहले देख लिया है, तुम्हारा 128 और मेरा 324। अच्छा, काफी अच्छी सोच है आपकी। आप मुझे इज्जत देने की जरूरत नहीं है, इज्जत देने लायक क्या काम किया मैंने, और किया होता यहां नहीं होता। फिर तो मैं भी आपको तुम्हें नंबर से ही बोलता हूं, वैसे हम दोनों एक जैसे ही, तभी तो मैं भी यहां हूं। यहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही है, कोई रोशनी का नामो निशान रहता है? इस अंधेरे में हम खुद ही आए हैं अपनी अपनी गलतियों से, और यहां आकर उम्मीद के किरण की उम्मीद करना तुम्हारी बेवकूफी का सबूत है। इधर धक्के खाते हुए आना ही मेरी बेवकूफी का सबूत है, आपको सिर्फ बातों पर से एहसास हुआ। माफ कीजिएगा, इज्जत के शब्द मुंह से जाने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे आपको भी इस अंधेरे के लिए कोई निमंत्रण तो आया नहीं होगा, कोई बेवकूफी तो आपने भी तुमने भी की होगी। मैं बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं सुनना जरूरी समझता हूं। सुना है, मतलब काफी सुना सुना सा है, उतना ही वक्त निकल जाएगा। एक दूसरे की बेवकूफियां सुनकर कौन बड़ा बेवकूफ यही साबित हो जाएगा। यह साबित हो चुका है, इसीलिए हम यहां हैं। साबित उन लोगों के सामने हुआ है जिन्हें वो बेवकूफी लगी, मुझे तब जो सही लगा वो उस वक्त के लिए बेवकूफी नहीं, जरूरत थी। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। खैर, मुझे जल्दी नहीं, अब वक्त ही वक्त है अपने पास, ये वक्त काटने दौड़ता है, एक एक पल काटना भारी पड़ता है। काटता हुआ वक्त भी कटता तो है। छोड़ो, मैं ये बताता हूं तुम्हें मेरी बेवकूफी के बारे में, तुम तुम्हारी संभाल कर रखो। तो 324 सुनो, छोटी सी फैमिली है मेरी, बाप पेंशनर है और मां अक्सर बीमार रहती, कैंसर है उन्हें, दो बड़े भाई भी हैं जो आपस में एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते, और तीसरा मैं, बचपन से एक डर था, झूठ बोलूंगा तो मार खाऊंगा। बड़ा हुआ तब समझ आया, झूठ नहीं बोलूंगा तो मार खाऊंगा। बस ये सत्यवादी हरिश्चंद्र कब देखते ही देखते अनजाने में झूठ बोलने लगा पता ही नहीं पड़ा। कहते हैं ना, जिंदगी सबकी बजाती है, मेरी भी बारी आई। अपने मालिक के यहां काम करता, ज्यादा नहीं पर गुजारा हो जाए और भूखा ना मरो, इतना मेहरबान था वो मुझ पर। मालिक टूर पे जाता और घर मेरे हवाले कर जाता, मालिक को भरोसा था कि ये कभी धोखा नहीं देगा, और मैंने भी सोच रखा था कि इनके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मालिक जितना खुशी खुशी देता था उतने में मैं खुश था। ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं पैसों की तंगी की वजह से,
हाँ लेकिन दिमाग कमाल का दिया है, तहजीब और तमीज मालिक से सीखी। एक दिन दिमाग खराब हुआ और मैं यहां अटपका। सच्ची सच्चाई से जितना प्यार था उतनी नफरत हो गई। खुद की सच्चाई कुछ और थी और झूठ उस सच्चाई को छुपाने का काम करता था। मां के कैंसर के बारे में मालिक को बताया तो मालिक को तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कुछ भी जरूरत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं मां तो चाहिए नहीं, मां को ठीक कराने के लिए पैसे मिल जाते तो। 5 लाख की जरूरत थी। मालिक बोलते इतना तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ लेकिन मेरा काम करेगा तो दुगना दूंगा। मैं समझ गया कोई डेंजर काम आने वाला है। काम क्या था? सच कहना था। क्या? हाँ अपने बापू मतलब महात्मा गांधी पहली बार उनकी तस्वीर सामने आई। सच्चाई का रास्ता कितना कठिन है समझ में आया। पहली बार वो नोट पर नहीं मेरी आंखों के सामने थे। बापू आप कहीं मैं मुन्ना भाई तो नहीं देख रहा हूं? बापू चुपचाप खड़े थे। बापू बोलिए ना कुछ, क्या आज के जमाने में आकर बच्चों को डरा रहे? आप तो चले गए, सच बोलो बोलकर। अब यहां सच बोलने के लिए घूस मिलने लगी है। झूठ बोलना होता तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ऐसे आसान काम आने चाहिए ना हमारे सामने। झूठ बोलना आसान है पर पैसे नहीं। और सच क्या बोलना था ये ना बापू को पता था ना मालिक को। मैं जाने लगा और बापू ने आवाज दी 128। जा झूठा। वो क्यों 128 बोलेंगे? तो असली नाम तो मैंने उन्हें भी नहीं बताया और बापू किस नाम से बोले वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारा नाम जाने बिना इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। हाँ यहां हूं तुम्हारे साथ वो एक अलग बात है। हाँ हाँ ठीक है बताओ आगे बताओ। अच्छा अपनी कहानी बताना जरूरी नहीं समझते थे और मेरी कहानी उछल उछल के समझना चाहते हो। आज के लिए काफी है इतना। मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा, बताओ। वाह इसे क्या कहें, शराफत। वो भी जेल में। अरे ये शराफत बाहर दिखाई होती ना तो अब भी मेरे साथ नहीं बैठे होते तुम। वो सच क्या था? सच ही तो नहीं बोल पाया, तभी तो बापू की एंट्री हुई और बोले तुम्हारा दिल जानता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, झूठ से कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेरी मानो सच कहो, अपनी मां को बचाओ। अरे बापू ऐसे कैसे सच बोल दूं? मैं जानता नहीं हूं क्या? झूठ बोला तो बच जाऊंगा और सच बोला तो पुलिस के दंडे खाऊंगा और घर वाले मारेंगे वो अलग। अब एक गलती तो सबको माफ होनी चाहिए, कोई भगवान थोड़ी ना है। गलती तो इंसान की फितरत में है, जानबूझकर गलती नहीं तो गलती से गलती। मुझे मालूम है तुमने अपने मालिक से गद्दारी की। जो सूटकेस तुमने चुराया है उसके बारे में उन्हें बता दो कि वो तुम्हारे पास है, उसमें उसकी अनमोल चीज है और वो उसी के लिए अनमोल है। उसे वो वापस कर दो, वो खुश होगा, तुम्हारी मदद करेगा। बता दो उसे वो तुमने चुराई। देखिए बापू मैं जानता हूं आपका रास्ता कठिन है लेकिन जीत पक्की है। पिक्चर देखी है मैंने, लेकिन उसको सच बता दूंगा तो वो मुझे पैसे क्यों देगा, ये ना देगा। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो मैं बिल्कुल दूसरा गाल आगे नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। सच आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं होता बापू,
सत्य शब्द सत से बना है। सत यानी होना, सत्य यानी हस्ती, सत्य ही परमेश्वर है। जहां सत्य है वहां ज्ञान है, जहां ज्ञान है वहां आनंद है, वहां शोक हो ही नहीं सकता। सत्य के लिए ही हमारी हस्ती हो, उसी के खातिर हमारा हर काम, हमारी हर प्रवृत्ति हो, विचार में, बातों में, बर्ताव में सच्चाई, यही तो सत्य है। पर बापू कहाँ चले गए? आप हमेशा गलत टाइम पे चले जाते हैं। रास्ता कठिन है पर बताना तो पड़ेगा। फिर क्या, सब सच बता दिया मालिक को और कर दिया अपना गाल आगे। बताया कि मैंने ही चुराई थी उनकी बैग, वो बापू ने नहीं मालिक ने पूछा था, लेकिन बिल जानता था जो किया गलत किया, तब वो जरूरत थी और एक तरह से बेवकूफी। बोला ना, झूठ बोलता तो नहीं मार खाता, सच कहा इसलिए वही हुआ जो होना था। यहां भेज दिए दूसरे बेवकूफ के साथ। आप पर तसल्ली हुई, सच बोले। और मां उनका क्या, उनके इलाज का क्या? कहा ना, भगवान ने दिमाग कमाल का दिया, यहां से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा सही तरीके से। गलती सुधारी, अब नया दिन नई शुरुआत। यहां से निकलने के बाद बेवकूफ कहीं। बापू बोले, ऐसा बापू बोलते हैं क्या? 324 मैं सच में बोल सकता हूं। मैं जिंदा तो हूं ना? अभी तक तो हो, लेकिन जो रास्ता चुन रहे हो वो गलत है। मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बापू जी, खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? पता नहीं वो किस हाल में होगा। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। और जिन्होंने दंगा फैलाया उन्हें मारने की जो सोच रहे हो, मेरे लिए वो भी हिंसा है। जो हिंसा तुमने की है उसी की सजा भुगत रहे हो आज तुम यहां। तुम गलत दंगे का हिस्सा बने। तो क्या हमारे सामने गलत हो रहा और मैं हाथ में हाथ धरे बैठा रहूं बापू? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। गलत को गलत करके नहीं, सही करके रोका जाता है। मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो, क्या सिर्फ यही समाधान था इसका? उस वक्त जो किया वो जरूरत थी। दुनिया में बदलाव देखना चाहते हो तो पहले खुद में बदलाव लाओ। सत्य का, अहिंसा का रास्ता जितना सीधा होता है उतना ही सकरा होता है। जब जब हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे हम चुप नहीं बैठेंगे बापू, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तुम्हारी ये सोच भी मेरे लिए हिंसा है, किसी का बुरा सोचना हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, द्वेष, बैर, दाह हिंसा है, किसी के बारे में बुरा चाहना भी हिंसा है। अहिंसा की डोर बहुत पतली होती है बेटा, जरा सी गफलत हुई कि नीचे गिरे ही समझो।
क्या हुआ? मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं, गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया? या अल्लाह, वो दंगा जो हुआ, जिस बात पे हुआ, मैं वहां नहीं था, ना मेरा उससे कोई वास्ता था। खामखा मैंने उस हिंदू लड़के का सर फोड़ दिया, बिना ये जाने कि उसका कोई कसूर था या नहीं। और कसूर होता भी तो ये मेरा काम नहीं था उसको सजा देना। सजा देते देते सजा के दलदल में फंस गया। मुस्लिम हो? हाँ। तभी क्या? कुछ नहीं। तुम हिंदू लगते हो? सभी हिंदू एक जैसे होते हैं। एक जैसे? और उस लड़के का सर फोड़ा तुमने, वो क्या था? लोगों की आदत है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अरे इतनी तकलीफ है तो जाओ ना अपने देश। नाम हिंदुस्तान रखने से ये देश तुम्हारे पाप का नहीं हो जाता। तुम दोनों ही गलत हो। ये देश जितना तुम्हारा है उतना तुम्हारा भी है। सर्वधर्म समभाव हो, सब धर्म ईश्वर ने दिए हैं, लेकिन वे मनुष्य की कल्पना के धर्म हैं। मनुष्य उनका प्रचार करता है, इसलिए वे अपूर्ण हैं। ईश्वर का दिया धर्म पहुंच से परे अगम्य है। बहुत सारे धर्म, ये हम सब जानते हैं। जैसे आत्मा एक है लेकिन मनुष्य देह अनगिनत, लेकिन उस आत्मा की एकता को हम सब पहचानते हैं। बहुत से लोगों ने अपने खून पसीने से तुम्हें आजाद भारत में जीने का मौका दिया है, उसे इन बेवकूफियों में व्यर्थ मत करो। अपने आप को पिंजरे में कैद मत करो, पंछियों की तरह उड़ो, खुले आसमान में पंख फैलाओ और देश का नाम रोशन करो। मुझे और पिंजरों के पंछियों को आजाद करना है। मैं चलूं? पवन अब्बास।